नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों सिटको के द्वारा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट करके इस एयरपोर्ट की लैंड को एयरपोर्ट डेवलपर को हैंडओवर कर दिया गया है। और अब इसके चलते आने वाले समय में इस एयरपोर्ट का काम काफ़ी तेजी से होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसको 1160 हेक्टेयर के एरिया में डेवलप किया जाना है। एज ऑफ नाउ अडानी ग्रुप के द्वारा इस काम को हैंडल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पनवेल तालुका के ओवरऑल 10 विलेजेस को इसमें ऐड किया गया है, जहां पर आज के समय में 5000 से ज्यादा फैमिलीज रहा करती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट का डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो इसी कारण से सिडको के द्वारा यहां पर रिहैबिलिटेशन को कंप्लीट करके लैंड को एक्वायर करके और लैंड को अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसका काम काफी तेजी से और काफी स्मूथली होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारे देश में सबसे बड़ी हर्डल होती है। दोस्तों देखते हैं कि कब तक इसका जो फेज वन है वो बनकर तैयार हो पाता है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा बेस्ड मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैवल्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के इलेक्ट्रिकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए हैवल्स के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो कुछ और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करेंगे, और इसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एज ऑफ नाउ हैवल्स हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और करंटली इनके पास में हमारे देश में मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जहां पर ये इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इनके द्वारा आंध्र प्रदेश की सिरी सिटी में एक न्यू एसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, जिसके ऊपर 400 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एक बार जब ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाती है तो 5 लाख यूनिट्स यहाँ से पर ईयर प्रोड्यूस हो पाएंगी। और क्योंकि इन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में लैंड एक्विजिशन के लिए एमओ साइन कर लिया है, तो लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया है। साथ साथ ये तमिलनाडु के तुमकुर में एक न्यू वायरिंग एंड केबल प्रोडक्शन यूनिट को भी सेटअप करेंगे, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही फैसिलिटी को सेटअप करने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में ऑयल सप्लाई से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों रशियन क्रूड ऑयल के जो इंपोर्ट है वो डे बाय डे काफी तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसी के चलते सऊदी अरेबिया को बीट करते हुए रशिया हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया सैंक्शंस के चलते दूसरी कंट्रीज को उनका क्रूड ऑयल बेच नहीं पा रहा है, लेकिन इकोनॉमी को चलाने के लिए रशिया के लिए जरूरी हो जाता है कि वो उसका जो क्रूड ऑयल है वो दूसरी कंट्रीज को बेचे, क्योंकि रशियन इकोनॉमी में क्रूड ऑयल का काफी बड़ा शेयर है। इसी के चलते उनके क्रूड ऑयल को बेचने के लिए रशिया के द्वारा उनके क्रूड ऑयल के प्राइस काफी कम कर दिए गए। इसका एडवांटेज लेते हुए भारत ने भी रशिया से काफी लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया, और यही मेन रीजन रहा है कि मई एंड जून दोनों मंथ में रशियन क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो सऊदी अरेबिया के क्रूड ऑयल से काफी कम था, और मई एंड जून मंथ में रशिया सऊदी अरेबिया को बीट करते हुए हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। और उसको कहा ऐसा गया है कि जैसी सिचुएशन अभी चल रही हैं, आने वाले समय में आपको ये इंपोर्ट और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कुछ न्यू डिफेंस टेस्टिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों एक और टेस्ट फायरिंग करते हुए हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइड मिसाइल का एक टेस्ट लिया गया है, और हर बार की तरह ये ट्रायल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। दोस्तों जो टेस्ट था ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में जो KK रेंजर्स है वहां से कंडक्ट किया गया था, जिसमें मेन बैटल टैंक अर्जुन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जो मिसाइल थी इसको अर्जुन टैंक से फायर किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो ये जो मिसाइल है ये एक इंडिजीनियसली डेवलप मिसाइल है, जो कि 1.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की रेंज तक हिट कर सकती है, और इसे हमारे DRDO की पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इन तीनों के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है यूपी के बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लैंड अलॉट कर दी गई है, और अब अक्टूबर तक इस फैसिलिटी को सेटअप करने पर काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट, इवन लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। DRDO और एक रशियन डिफेंस कंपनी के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है, और क्योंकि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्ट है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसी कारण के चलते इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है, और यही मेन रीजन रहा है कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के अंदर लखनऊ नोड में इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया जा रहा है, जिसके लिए UPADA ने 80 हेक्टेयर ऑफ लैंड भी अलॉट कर दी है, और अब सितंबर तक हमारे DRDO के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी जाएगी, और अक्टूबर तक 3000 करोड़ रुपीज की फैसिलिटी के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा।
अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक्सपोर्ट शेयर इंक्रीज करते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने 557 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है और इन सब के लिए जो एक्सपोर्ट प्लान है वो भी प्रिपेयर कर लिए गए हैं। दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत हमारे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है और फिर उसको एक्सपोर्ट्स के लिए प्रमोट किया जाता है ताकि हमारे देश की जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज हो पाए। एज ऑफ नाउ इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत हमारे देश के 773 डिस्ट्रिक्ट्स में से 557 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो प्लान्स है वो प्रिपेयर हो गए हैं। जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है उनके प्रोडक्ट के प्रमोशन के ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है एक मेगा लॉजिस्टिक पार्क को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने साथ साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉजिस्टिक पार्क इंदौर के लिए अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत सेटअप किया जाएगा, जिसमें फेज वन में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया जाना है। मई मंथ में हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस लॉजिस्टिक पार्क को मध्य प्रदेश स्टेट के लिए अप्रूव कर दिया गया था और अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव करते हुए लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। प्री प्लान्स के अकॉर्डिंग ये लॉजिस्टिक पार्क 250 हेक्टेयर के एरिया में फैला होगा जो कि फुली सोलर पावर्ड होगा। कनेक्टिविटी के लिए इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को तीही रेलवे स्टेशन की मेन रेल लाइन, नेशनल हाईवे 3, पीथमपुर मेन रोड एंड इंदौर का जो अपकमिंग रिंग रोड है इसके साथ में कनेक्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मिलकर डेवलप किया जाएगा, जो कि एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करेंगे और एक बार जब ये लॉजिस्टिक पार्क बनकर तैयार हो जाता है तो 10,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब भी जनरेट हो पाएंगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है कुछ न्यू फ्लाईओवर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट के लिए 20 फ्लाईओवर्स को अप्रूव कर दिया गया है जिनके ऊपर अब काम भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं कुछ डिटेल में बताऊँ तो इंदौर के लिए 5, भोपाल एंड सागर के लिए 3, ग्वालियर एंड जबलपुर के लिए 2, रतलाम, खंडवा, धार, छतरपुर एंड विदिशा इन सब के लिए भी एक फ्लाईओवर अप्रूव किया गया है। इनिशियली इंदौर एंड भोपाल यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया है, जबकि दूसरे एरियाज में जो फ्लाईओवर्स हैं उनके लिए प्लानिंग पर काम स्टार्ट हो पाया है। देखते हैं कि कब तक कॉन्सेप्ट रेड को डेवलप किया जाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश की हिस्ट्री में पहली बार यूएस नेवी की शिप को अब भारत में रिपेयर किया जाएगा और यूएस नेवी ने ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में एलएनटी को सौंप दिया है। दोस्तों हमारे देश की जो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी लिमिटेड है। करंटली साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना ये तीनों ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 80-90% के लिए अकाउंटेबल हैं। हमारे देश में लो कैपेसिटी एंड पुअर प्रोडक्टिविटी के चलते जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं हो पाई है जितनी तेजी से इसको होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एज ऑफ नाउ हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा हमारे देश के डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाया जा रहा है, तो अब उसी का ये रिजल्ट है कि हमारे देश में पहली बार यूएस नेवी की जो शिप है उसकी रिपेयरिंग की जाएगी। यूएस नेवी की ड्यू चार्ल्स नाम की शिप एलएनटी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड जो कि चेन्नई में है वहां पर पहुंच गई है और अब अगले 11 दिनों तक वहां पर इसकी रिपेयरिंग की जाएगी। साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस नेवी के द्वारा एलएनटी की कट्टुपल्ली शिपयार्ड को चुनने से पहले हमारे देश की ऑलमोस्ट हर एक शिपयार्ड को रिव्यू किया गया था और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन के बाद में उन्होंने एलएनटी की कट्टुपल्ली शिपयार्ड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।